हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी डेसिमल और ऑक्टल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। ये दिया हुआ है 3FD base 16 को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मुझे बेस 2 में यानी बाइनरी नंबर में, तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं 3FD। ठीक, अब मुझे इसे बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो आपको पता होगा ये डी को हम ये हेक्साडेसिमल नंबर में डी को जो 13 होता है उसे डी से प्रेजेंट करते हैं, और जो 16 होता है जो एफ है वो किसके लिए होता है, 15 के लिए। तो ये डी क्या है 13 और ये एफ क्या है 15। ठीक, ये नंबर था हमारा 3। अब इसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 8421 फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। 8421 की हेल्प से हम इन्हें बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए जैसे ये 13 है, अब मुझे 8421 से 13 बनाना है। तो 13 कैसे बनेगा, जब हम 84 कितने हो जाएंगे 12 और 1 को 11 कर देंगे, 84 और 1 को 11 कर देंगे और इसे 0 कर देंगे, तो ये हमारा 13 बन जाएगा यानी डी बन जाएगा। देखिए 8 और 4 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो यानी ये हमारा 13 बन गया। अब मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ 1101। अब सेकंड वर्ड दिया हुआ हमें एफ यानी 15। 15 को मुझे बाइनरी में चेंज करना है। तो 15 कैसे बनेगा, देखिए 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, यानी मुझे सभी को 11 करना पड़ेगा तभी हमारा 15 बनेगा, ये एफ बनेगा। तो चलिए मैं इसे अभी यहाँ लिख लेता हूँ 1111। अब हमारे पास क्या बचा 3। अब आइए इसी फॉर्मूले पे 8421 से 3 कैसे बनेगा, जब हम 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा। अब मैं इसे 2 और 1 को 11 कर लेता हूँ और 8 और 4 को 00 कर देता हूँ, तो ये बन गया है मेरा 3। मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ 0011। ठीक है, यानी हमारे पास हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन क्या आया है, हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर था 3FD base 16 और बाइनरी में कन्वर्ट करके क्या आंसर बनाया हमें 0011 1111 1101 base 2। ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर। अब इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में है बेस 16 से हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 यानी डेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल से किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है और डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। मैं बता देता हूँ, सीपी नंबर को अगर हम डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन हायर पावर लिख लेता हूँ। 16 की हायर पावर क्या है 2, फिर एफ लिख लेता हूँ, उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, एक पावर कम हो जाएगी 1, फिर डी लिख लेता हूँ, एक पावर कम हो जाएगी 16 करते हैं 3 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 होता है 256 प्लस एफ मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 होता है 16 प्लस डी बताया था F होता है ऊपर देख लीजिए 15, यानी 15 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240। ठीक, प्लस अब D की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, D ऊपर देख सकते हैं, मैंने बताया था D को बोलते हैं 13, 13 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, ऐड करके आएगा हमारा 1021। ये हो गया हमारा
डेसिमल में कन्वर्ट। हमारा क्वेश्चन का था 3fd बेस 16 जो कन्वर्ट हो गया है बेस 10 में। ये है हमारा आंसर। थर्ड पार्ट था, इस हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। इस हेक्साडेसिमल नंबर को जिसका बेस 16 है उसको कन्वर्ट करना है एक ऑक्टल नंबर में, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इस हेक्साडेसिमल नंबर को बेस 16 से 8 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे बेस 16 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी नंबर में जिसका बेस 2 होता है इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उससे बेस 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? मैंने अभी ऊपर आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके दिखाया था, निकली से बेस 16 को मैंने यहाँ पे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था, तो मैं उसे वहाँ पे एज इट इज लिख लेता हूँ 3fd बेस 16 को मैंने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके किया था 00111111101, इसे बेस 2 में कन्वर्ट किया था। अब इससे बेस 2 से 00111111101 से मुझे कन्वर्ट करना है इसे 8 में, ठीक। वो कैसे होगा? बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए यानी ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम 421 फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, यानी 3 बिट नंबर का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, तीन तीन के पेयर बनाने पड़ते हैं, तीन तीन बिट के पेयर बनाने पड़ते हैं। तो मैं तीन तीन बिट का पेयर बना लेता हूँ, एक पेयर हो गया, दो पेयर हो गए, तीन पेयर हो गए, चार पेयर हो गए। अब मैं 421 की हेल्प से इसे सोल्व करूँगा, 421 सभी पेयर्स के ऊपर 421 लिख लीजिए, 421 जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए सिर्फ उन्हीं के ऊपर लिखना है 421 421। अब देखिए हमारा इसमें दिया हुआ है जिस नंबर के नीचे 11 लिखा हुआ है सिर्फ उन नंबर्स को ऐड करना है। 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, और 41 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5। अब आ जाइए इसमें 421 तीनों के नीचे 11 है, अब तीनों को ऐड कर दीजिए कितना आएगा 61। इसमें भी तीनों के नीचे 11 है, 421 के नीचे 11 है, तो इन्हें ऐड करेंगे ये भी 7 आएगा। इस पेयर में देखिए सिर्फ 1 के नीचे 1 है और 42 के नीचे क्या है 0, तो इसमें क्या आएगा 1। तो हमारा ये नंबर जो है 3fd बेस 16 जो था वो कन्वर्ट हो गया है बेस 8 में, जिसमें आंसर क्या आया है 1775 बेस 8। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अच्छी कुछ समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करें जिससे मैं अपनी वीडियो को और बेटर बना सकूं।